वहीं पहाड़ के साथ साथ तराई में भी विभिन्न रंगों पर आधारित बैठकी होली की शुरुआत हो गई। रुद्रपुर के गंगापुर रोड स्थित शैल परिषद भवन में आयोजित बैठकी होली में कुमाऊं के अनेक शहरों के होलियारों ने अलग अलग राग प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कुमाऊं में बैठकी होली गायन की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी पहाड़ के हर गाँव हर मोहल्ले में होलियार राग और फाग में मस्त नजर आते हैं। साथ ही अल्मोड़ा हल्द्वानी सहित कई शहरों के होलियारों ने तबले और हारमोनियम की धुन पर राग भैरवी राजदेश जंगला काफी जय जयवंती बागेश्वरी परत जैसे रागों पर आधारित होली गीत गाकर दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आपने देखा होगा किस तरह से होली गायकों द्वारा ऐसा रंग भरा कि जहां 87 वर्ष के 90 वर्ष के बुजुर्ग भी अपने खुमार में उड़ गए और उनके नृत्य की आपने भूमिका देखी। शैल परिषद का उद्देश्य है अपने संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए बुजुर्गों के आशीर्वाद से नई पीढ़ी तक उनको पहुंचाना हम सबका उद्देश्य है। कल महिलाओं की बैठकी होली है और उसके बाद 24 तारीख को सर्वांजलि होली होगी जो खड़ी होली। जो होली का त्यौहार है केवल रंगों का त्यौहार नहीं है बल्कि सुर का भी त्यौहार है और जो केवल रंगों की होली कहते हैं हम यहाँ स्वरों से रागों के अनुसार समय के हिसाब से होली करते हैं। फिर शाम को राग कल्याण श्याम कल्याण फिर काफी जंगला काफी खमार फिर राग देश फिर विहार परज और भैरवी से सुबह खत्म होती है। पूरी रात के भर संगीत चलता है रागों पर आधारित और कृष्ण के प्रेम की सारी होलियाँ होती है तो ये प्रेम और उल्लास रागों और संगीत से व्यक्त किया हमारी युवाओं की बैठकी होली की।